बच्चों, आज हम आपको पत्र लेखन के विषय में समझाने जा रहे हैं। मनुष्य जीवन में पत्र लेखन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर मनुष्य कभी ना कभी पत्र अवश्य लिखता है। दूसरे देश में रहने वाले व्यक्तियों को, दूसरे शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को पत्र के द्वारा ही वो अपने विचारों को उन तक पहुँचाता है। और पत्र भी कई तरह के होते हैं। आज हम आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के विषय में समझाने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र जो हम लिखते हैं, व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र होते हैं, वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो हम अपने संबंधियों को और अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं, वो व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम आपको अब समझा रहे हैं, पहले औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और कैसे लिखे जाते हैं ये समझा रहे हैं। औपचारिक पत्र, आज हम बता रहे हैं औपचारिक पत्र। आपका टॉपिक है कॉलोनी की सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। चलिए देखते हैं ये पत्र कैसे लिखा जाएगा। औपचारिक पत्र, पहले आप इधर लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नई दिल्ली। ये तो हमने आपको एक उदाहरण दे रखा है कि आप जब आप लिखेंगे तो अपने शहर का नाम लिखेंगे। यहाँ एक फॉर्मेट बना रखा है उदाहरण कि नई दिल्ली, यहाँ पे आप लिखेंगे कि बरेली, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बरेली। आगे देखिए, महोदय, मैं आपका ध्यान दरियागंज स्थित नवयुग कॉलोनी की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस कॉलोनी में स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनके कारण सारा माहौल दुर्गंध से भरा रहता है। लगातार मच्छरों की बढ़ती संख्या ने यहाँ के निवासियों को परेशान कर रखा है। रास्ते में जगह जगह गड्ढे होने के कारण उनमें पानी भरा रहता है और पैदल चलने वालों के लिए ये परेशानी का कारण बन गया है। कॉलोनी के बीचों बीच एक पार्क है, यहाँ अक्सर शाम को छोटे बच्चे खेलने आते हैं और वृद्ध टहलने, लेकिन गंदगी के कारण पार्क का भी बुरा हाल है। सबसे बड़ी चिंता का कारण है आने वाली वर्षा के आते ही यह गंदगी और भी अधिक बढ़ जाएगी। निश्चित ही उस समय इसे साफ करने में और भी अधिक परेशानी उठानी होगी। नालियों और गड्ढों में भरे पानी से यातायात में भी परेशानी होगी। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस क्षेत्र की सफाई की ओर ध्यान दें और संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर इस कॉलोनी के लोगों को इस गंदगी से छुटकारा दिलाएं। सा धन्यवाद लिख करके अब आप दिए लिखेंगे और इधर नीचे अपना नाम, अपना पता और इधर दिनांक लिखेंगे। इस तरह जैसे हमने आपको समझाया है, ये अब आप ध्यान से सुन देखेंगे कि कैसा लिखा है। देखिए, सेवा में के बाद कॉमा लगेगा, स्वास्थ्य अधिकारी के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप नगर निगम के बाद कॉमा लगा करके यानी अर्धविराम, और फिर अपना शहर लिखने के बाद आप विराम चिन्ह लगाएंगे। इनमें अर्धविराम विराम चिन्ह का बहुत ध्यान रखेंगे। महोदय लिखने के बाद आप अर्धविराम लगाएंगे, उसके बाद आप जब जहाँ जहाँ पर लाइन हो रही है ख़त्म, वहाँ वहाँ आपको विराम चिन्ह लगाना होगा। और इसमें जो गर्ल्स हैं, जगह जगह जहाँ पे दिलाना चाहता हूँ बॉयज़ लिखेंगे और गर्ल्स लिखेंगी दिलाना चाहती हूँ। इस तरह से आप ये लिखेंगे पूरा। और यहाँ पे आप लिखा है नई दिल्ली से लिखा है, तो आप अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे अपने शहर का नाम। यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम अपने शहर का नाम लिखेंगे और सबसे लास्ट में जो लिखेंगे सर धन्यवाद भव दिए, वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे कि आपका बॉयज़ लिखेंगे आपका और अपना नाम लिखेंगे, और जो गर्ल्स होंगी वो आपकी लिख करके अपना नाम लिखेंगी, अपना पता लिखेंगे, पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा और दिनांक जिस तिथि को आप लिख रहे हैं उस तिथि को आप यहाँ पे उस दिन की तिथि यहाँ पे आप लिखेंगे। इस तरह से पूरा फॉर्मेट बना करके ध्यान से पत्र लिखेंगे।